भारत ने भी विदेशी आक्रमण और घुसपैठों को झेला, पर यहाँ ये परंपराएं अब भी जीवित हैं। इसके बारे में इतिहास की किताबों में ज्यादा नहीं लिखा गया है, पर बेहद क्रूर आक्रमण हुए तो उनमें से एक ने वाकई अपने लोगों से ये बात कही थी और पूछा, हम लोग कैसे जीने के इस हिंदू तरीके को जलाकर राख करें। फिर भी ये खत्म नहीं हुआ। अगर आप भगवान को भी मार दें तो भी ये लोग हार नहीं मानते। नमस्कार सद्गुरु, अगर आप पूरी दुनिया को देखें, सभी देश। अच्छा, आपने पूरी दुनिया देख ली है? मेरा मतलब इतिहास में। अच्छा। अगर हम दुनिया का इतिहास देखें तो सभी देशों की खुद की परंपराएं रही हैं, जैसे मिस्र, अमेरिका, ईरान, सभी की अपनी अपनी परंपराएं रही, पर विदेशी आक्रमण के बाद वो सब पूरी तरह से खत्म हो गया। भारत ने भी विदेशी आक्रमण और घुसपैठों को झेला, पर यहाँ ये परंपराएं अब भी जीवित हैं, ये आज भी ज्यादा सक्रिय रूप से जीवित हैं। तो ये यहाँ कैसे बच पाई, मतलब वो कौन सी चीज है जिसने इस सभ्यता को जीवित रखा है? क्योंकि आप अब भी साड़ी पहन रही हैं, बस ऐसे ही ये जीवित रही है। वो कौन सी चीज है जिसने इस संस्कृति को हजारों सालों तक जीवित रखा? थैंक यू सद्गुरु। देखिए, आक्रमण कहने के लिए एक सरल सा शब्द है, पर जब आप पर इसकी मार पड़ती है, इसकी क्रूरता को आप झेलते हैं, तब बात अलग होती है। उस दौर में जो हुआ उसको बयां भी नहीं किया जा सकता, खासकर जो औरतों के साथ हुआ। आदमी मारे जाते थे कई मायनों में, वो किस्मत वाले थे। वो कभी कभी टॉर्चर किए जाते थे, वो थोड़ा बदकिस्मत था, पर आम तौर से महिलाओं को जीवित रहना पड़ता था और अक्सर उन पर उम्र भर टॉर्चर किया जाता था। तो आक्रमण केवल एक सरल सा शब्द नहीं है। दो तरीके होते हैं जिससे लोगों को, जायदाद को या खुद दुनिया को पाया जा सकता है, एक तो आक्रमण से और दूसरा है समावेश से। अगर आप किसी चीज को खुद में शामिल करके कुछ पाते हैं तो यह खूबसूरत हो जाता है ना। अगर आप हमला करके कुछ पाते हैं तो ये वो सबसे बदसूरत और गंदी चीज है जो आप सोच सकते हैं, चाहे ये एक आदमी की बात हो या राष्ट्रीय, सांस्कृतिक या सभ्यता के स्तर पर हो। तो वो क्या है जिसने इस संस्कृति को जीवित बचाए रखा, लगभग हजारों सालों के क्रूर आक्रमणों के बाद भी जीवित रखा? क्रूर, इसके बारे में इतिहास की किताबों में ज्यादा नहीं लिखा गया है, पर बेहद क्रूर आक्रमण हुए हैं। तो ऐसी क्या बात थी? एक बात यह थी कि जिन लोगों ने आक्रमण किए थे उन्हें अपने धर्म से बल मिला था, या उन्होंने ऐसा अपनी आर्थिक दिलचस्पी की वजह से किया था। एक बात यह थी कि यह संस्कृति और सभ्यता इतनी गहन और जटिल रही थी कि वो इसे समझ ही नहीं सके। देखिए, मैं उसका नाम भूल जाता हूं, वो आक्रमणकारी क्या था? नहीं नहीं, मैं उसका नाम सोच रहा हूं, मैं वैसे भी ये नाम याद रखने में अच्छा नहीं हूं। खैर, तो उनमें से एक ने वाकई अपने लोगों से ये बात कही थी और पूछा, हम लोग कैसे जीने के इस हिंदू तरीके को जलाकर राख करें, इस हिंदू नाम की चीज को, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक और धर्म है। जैसे वो किसी एक धर्म को मानते हैं वैसे दूसरे किसी और धर्म को मानते होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक धर्म से हूं तो आपको भी किसी दूसरे धर्म का होना ही चाहिए, नहीं तो कैसे, क्योंकि आप कुछ अलग चीजें करते हैं। पर यही तो वो कभी समझ नहीं पाए। तो उन्होंने इसे देखा और धार्मिक मुखिया कहाँ है, धर्म गुरु कौन है, उसे मार डालते हैं, ये थी सोच। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सैकड़ों की संख्या में है, तो उन्होंने सबको मार दिया, पर फिर भी ये नहीं मरा, क्योंकि इसके लिए कभी कोई नेतृत्व नहीं रहा है, इसका कभी कोई व्यवस्थित ढंग नहीं रहा है। यहां हर व्यक्ति अपनी ही चीज खोज रहा है और सभी इसे स्वीकारते हैं। ये एकलौती व्यवस्था थी जो हमारे पास थी। आप एक पेड़ को पूछती हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो उस पत्थर को पूछती हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना तो पेड़ की पूजा करता हूं ना किसी पत्थर की, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आकाश की पूजा करता हूं। कोई है जो किसी की पूजा नहीं करता, अरे हमें उससे भी कोई परेशानी नहीं है।
तो उन्हें ये कभी समझ ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये माना कि आपको किसी न किसी पंथ का होना चाहिए। Here people did not belong to any entity. यहाँ लोग किसी पंथ से नहीं रहे, इसलिए कोई नेतृत्व नहीं रहा। आप जितने चाहे उतने लोग मार दें, पर फिर भी ये जीवित है। हर घर में इंसान के दिल में जो चीज धड़क रही है, आप उसे नहीं मार सकते, ठीक है? इसको नेतृत्व नहीं चाहिए था, ना ही कोई किताब चाहिए थी, ना ही इसको एक विचारधारा चाहिए थी, ना ही इसको एक भगवान चाहिए था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो वो एक एक करके पूरे उत्तर भारत के मंदिरों को तोड़ते चले गए। आप दक्षिण भारत आकर देखिए, भव्य मंदिर अब भी यहां मौजूद हैं, क्योंकि वो इतनी नीचे तक नहीं आ पाए। तो यहां आप अद्भुत मंदिरों को देखेंगे, ये आपको उत्तर भारत में नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो ज्यादातर तोड़ दिए गए थे। तो अगर आप भगवान को भी मार दें तो ये लोग हार नहीं मानते। आप मंदिर तोड़ दें तो उनके पास खुद अपने घर में छोटे से भगवान है, वो वहीं पूजा कर लेंगे। आप उनके घर तोड़ दें तो वो उन्हें अपने शरीर पर लेकर घूमेंगे और उन्हें वहीं पूज लेंगे। उनके पास आत्मलिंग है, इन लोगों के साथ आप क्या करेंगे? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना चाहिए। इंडिया या भारत, शायद आपको मालूम हो या शायद ना हो, ये एक व्यवस्थित अव्यवस्था है। लोग इस चीज को नहीं समझते। तो अगर आप भारत को देखें तो लगता है ये कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग तीर की तरह नहीं हैं। तीर कुछ देर तक उड़ता है और फिर गिर पड़ता है। हम मधुमक्खी के झुंड जैसे हैं। हर मक्खी अलग दिशा में जाती हुई दिखती है, पर आखिरकार सब एक ही दिशा में जाती हैं। ये बहुत अच्छे से चल रहा है।